नमस्कार, मैं मोहन दुबे, वीएसआरएस न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरों पर। लद्दाख के लेह में मंगलवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.1 थी। इसका केंद्र लेह से 174 किलोमीटर पूर्व में बताया गया। एनसीएस के मुताबिक भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर गहराई में था। इससे पहले 26 सितंबर को भी लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस हुए थे। तब रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.7 दर्ज की गई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाथरस की घटना और कृषि कानूनों पर अपनी बात रखते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने हाथरस घटना पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी को लेकर निशाना साधा है। वही कांग्रेस नेता ने कृषि कानूनों को लेकर कहा कि खाद्य सुरक्षा के मौजूदा ढांचे को तोड़ने की दिशा में एक कदम है। राहुल गांधी पिछले 2 दिनों से पंजाब में हैं और ट्रैक्टर रैली के जरिए कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। देश में कोरोना वायरस के 61,267 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 66,85,082 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 56 लाख से अधिक लोगों के संक्रमण मुक्त होने के साथ मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 84.70% हो गई। आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 884 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 103,579 हो गई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना के विरोध में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने सोमवार को पुणे, मुंबई समेत राज्य के कई हिस्सों में प्रदर्शन किया। पुणे में शांतिपूर्ण ढंग से सड़कों पर कार्यकर्ता बैठे हुए नजर आए, तो मुंबई में 4 पुतलों को फांसी पर लटकाकर कार्यकर्ताओं ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। दादर के चैत्यभूमि इलाके में मनसे ने हाथरस बलात्कार के मामले में 4 आरोपियों को प्रतीकात्मक रूप से फांसी देकर अपना विरोध जताया। बिहार चुनाव की हलचल तेज हो चुकी है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित करने में लगे। भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। 25 प्रत्याशियों के सिंबल बांट दिए गए हैं। उम्मीदवारों के नाम देखकर ऐसा लगता है कि भाजपा अपने किसी मंत्री का टिकट नहीं काटेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना भी बिहार चुनाव में किस्मत आजमाने को तैयार है। संजय राउत के मुताबिक जल्द इस पर फैसला होगा। संभावना जताई जा रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव में शिवसेना 30 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। शिवसेना भी उम्मीदवार मैदान में उतारेगी तो हिंदू वोटों में विभाजन होना तय माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के चर्चित हाथरस रेप कांड से जुड़ी एक जनहित याचिका के संबंध में दायर हलफनामे में राज्य सरकार ने रात में शव जलाने के संबंध में अपना पक्ष रखा। डीएम द्वारा आधी रात में शव को जलाए जाने पर यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि असाधारण परिस्थितियों और गैर कानूनी घटनाओं के चलते जिला प्रशासन को एक फैसला लेना पड़ा। राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार केवल अति आवश्यक सेवा से जुड़े कर्मचारियों की सुविधा के लिए पूरे से लोलांगा एवं वापसी के लिए उपनगरीय लोकल ट्रेन सेवाएं आगामी 12 अक्टूबर से सीमित रूप से शुरू की जाएंगी। लोकल के चलने के समय की सूचना अलग से जारी की जाएगी। पुणे शहर में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाले वाले पुलिस आयुक्तालय के पास ही सरेराह एक बिल्डर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस आयुक्तालय से चंद ही कदमों की दूरी पर एसबीआई के ट्रेजरी ब्रांच के पास फुटपाथ पर आज दोपहर 3 बजे के करीब यह हत्या हुई। हत्यारे 2 की तादाद में बताए जा रहे हैं, जो कि एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए। पुणे के कस्टम अधिकारियों ने खुफिया जानकारी के आधार पर रविवार को नलदुर्ग सोलापुर रोड से करीब 65 लाख रुपए का 412 किलो गांजा बरामद किया। कस्टम अधिकारियों के मुताबिक ट्रक में आंध्र प्रदेश से तस्करी कर लाए जा रहे गांजे को महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाना था।